बैठे उनकी बेइज्जती होगी, इनको भगवान नहीं चाहिए, इन्हें तो अपनी मान बढ़ाई चाहिए, इन श्रोता भाड़ में जाओ, इनकी इज्जत बनी रहे, इनकी रोजी रोटी बनी रहे। और परमात्मा कहते हैं जब ये संत बन गए, संत भक्ति भगवान के लिए, ये घर बार त्याग कर या कोई विशेष क्रिया करके ये भगवान की तरफ अग्रसर हुए हैं, और ये संत बन गए, औरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, स्वयं ज्ञान नहीं, और इनको ये सच्चा ज्ञान मिल जाता है संतों को, तो ये अगर ये अच्छी आत्मा हैं तो इन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये तभी से आग लगी हुई, आज तक ये मरना मंजूर है इन्हें, ये स्वीकार नहीं कर सकते। परमात्मा की वाणी है कि रज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये, और इनके तजे बिना भगवान के निकट भी नहीं आ सकता। तो सभी चिंगर गए, तने बड़ी बात कही, तू कैसा नास्तिक आ गया है, हिंदू धर्म का तो जो है ना बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं के बारे में गलत बोलता है, चिंगर गए। उनमें से एक व्यक्ति गया संत राजा के पास पहुंचा, राजा से और नमक मिर्च लगा के कहा कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, हमारे हिंदू धर्म की बेइज्जती करता है, विष्णु जी को नासवान बताता है, हमारी तो नाक काटती राजन। परमात्मा उधर वार्ता कर रहे थे उनसे, इतने में राजा ने एक पुलिस वाला भेजा लाठी लेकर, अब जाओ कबीर को बुला कर ला। राजा घर पर बैठा है और शाम करवा रहा है बाग में, हुआ उड़ा सत्संग कर, राजा का क्या लाभ हुआ उसको, कहते बैठे सत्संग सुने तो कुछ लाभ हो, ये ऐसे ड्रामेबाजी हो जाती, ये अभिमान, ये अहम होता है इनमें, हमारी बेइज्जती हो जाएगी सत्संग में जाकर बैठांगे तो। लेकिन पुण्यात्मा ऐसा नहीं करती। तो राजा ने सिपाही भेजा छड़ीदार के, लिया उसको बुला के। अब छड़ीदार ने यानी उस सैनिक ने कहा जाके कि चलो तुमको राजा बुलाते हैं, तो क्या बकवास कर रहा है। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं एक नागरिक हूँ, स्वतंत्र है, और मुझे तेरे राजा से कुछ लेना देना नहीं है, अगर तेरे राजा को गर्ज है तो मेरे पास आ जाएगा और मैं नहीं जाता वहाँ। अब उस सैनिक ने साथ में वो जो संत आया था लेकर बुला कर लाया था, वो फिर वापस गए राजा से कहा कि राजन वो तो न्यू कहे मैं ठेंगे पर रखता हूँ ऐसे राजाओं को, मुझे जरूरत नहीं ऐसे राजाओं की, उसको गर्ज पड़े तो आ जा। अब राजा ने यह बात कोई कह दे उसका, वो तो फिर अपनी बेइज्जती मान लेता है, और अभिमान बहुत होता है राजा में, 10-20 सैनिक लेकर चला राजा स्वयं। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज। जब वो राजा वीरदेव सिंह बघेल रह गया 100 फुट की दूरी पर, 100-150 फुट की दूरी पर, तब परमात्मा ने अपना आसन जमीन से 1.5 फुट ऊपर कर लिया, हवा में 1.5 फुट ऊपर हवा में बैठे, नीचे कुछ नहीं, जमीन से 1.5 फुट ऊपर उठ गए, केवल राजा को दृष्टिगोचर हो रहे हैं अन्य को नहीं। अब कितना अंडी पाक रहे हो भगवान के सामने, फिर केवियों थे इन राजाओं का, एक मिनट में इनकी मुर्गी बना दे संत जो चावत है। तो वो डर गया, उसने देखा ये तो वह परम संत है, जमीन से ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, गया तो था उनको सोटे मारन और हाथ जोड़ कर करबद्ध खड़ा हो गया, हे परवरदिगार आपका क्या विवाद है। परमात्मा बोले कि विवाद इनका और मेरा है, आप किस लिए आ गए यहाँ पर। अब कोई जवाब नहीं, घबराया गया कि क्योंकि इतनी चमत्कार देकर कलजा पैट जा आदमी का। राजा बोला मेरी गलती होगी, इन्होंने बुलाया मुझे। तो परमात्मा बोले ये अज्ञानी बैठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने 1 घंटा खड़ा होकर सत्संग करा के सारी हर पहलू पर विचार दिया, तू कौन कहाँ से आया है, परमात्मा की भक्ति बिना तुम्हारा क्या होगा, राज्य पद तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे पुण्य हैं, पुण्यक्षीण होने के बाद फिर राजा रसभ हो। अब वो पुण्यात्मा थी और कुछ मालिक ने दया कर दी उसके ऊपर, अग्रम वग्रम खत्म कर दी उसकी।
हाथ जोड़ के कबीर परमेश्वर को अपने महल में ले गया कि मेरे साथ चलो परवरदिगार। परमात्मा बोले अपने गुरु को भी साथ ले ले जब चलूँगा। अच्छा जी, सबको विदा करवा दिया, उनको जो दक्षिणा दिवानी थी दे दी जाओ, वो तो लालची आ रहे थे, भोजन भंडारा करा दिया उन उसके गुरु को, और साथ में परमेश्वर दोनों राजा के महल में गए। अब परमात्मा कहते अब सुनो मेरा इसका क्या विवाद था, निकाल तेरी सारी पोथियों को, और राजा के सामने बैठा है, और अगर तू झूठ बोलेगा तो फिर देखना। राजा बोला इसका बक्कल तुरवा दूँ जो झूठ बोलेगा। तो अब परमात्मा बताने लगे, खोल शिव पुराण को, रुद्र संहिता अध्याय 5-9 तक पढ़, उसके अंदर क्या लिखा है। काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा के योग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। वो ब्राह्मण कहता हाँ जी ऐसा ही लिखा है, पढ़ा संस्कृत। अब उस ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया, राजा का भी उद्धार हो गया, दोनों ने परमात्मा से उपदेश लिया। अब ठीक है, नाम ले लिया, भक्ति करते हैं। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दे दिया राजा को, और फिर कहा कि फिर आऊँगा, फिर कभी तुम्हें सतनाम दूंगा। अब राजा लोग ठीक है, कुछ दिन भक्ति करता रहा, फिर अपना राजकाज करता रहा, और नियम बता रखे थे जीव हिंसा नहीं करना। अब कुछ दिनों के बाद मंत्रियों ने श्रृंगार लिया राजा के, चलो राजा शिकार करने चलते हैं। ब्राह्मण के गुरु लोग भी कहा करते थे कि अक्षत्रिय यदि शिकार नहीं करेगा तो वो भुजदिल बन जाता है, ये दूने क्रम फुड़वाने उनके। तो कबीर परमात्मा पहुंच गए एंड टाइम पे, रुद्र से वो मर्यादा भंग करने के लिए तैयार हो गया, घोड़े गाड़ी तैयार कर लिए, सब सैन अपने 150 व्यक्ति सैनिक साथ कर लिए, और जंगल में एक हफ्ते के लिए चल पड़े। चलने वाले थे इतने परमेश्वर पहुंच गए कबीर जी। आओ महाराज जी, आओ महाराज जी, वीरदेव सिंह बघेल कहने लगे। परमात्मा ने बोले कहाँ जाने की तैयारी है, कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। परमात्मा बोले भाई मैं नहीं चलता। नहीं नहीं जी आप चलो, हमारे गुरु हो, भगवान का देख गुरु भी कहो हमने, और मैंने कर रखे मरिया जीवन सा नहीं करनी, ये करने की तैयारी कर रहे नालायक। परमात्मा बोले कि मैं आपके साथ चल भी पड़ूंगा तो वहाँ आपको कोई शिकार नहीं मिलेगा। अब वो समझे कि परमात्मा के कोडवर्डों को, वीरदेव सिंह बघेल कहने का नहीं जी ऐसे जंगल में जाएंगे वहाँ पर बहुत से शिकार हैं। परमात्मा बोले यू नो ऐसे नहीं मानेगा, अच्छा भाई चलो। मालिक के लिए भी हाथी का तैयारी करवा दी, उसके ऊपर बैठा दिए, पहुँच गए वहाँ जंगल में। शाम तक पहुँचे सुबह की तैयारी की शिकार के लिए। अब सुबह चल पड़े सैनिक भी, और वो भी कबीर साहब भी साथ में, इतनी दूर चले गए जंगल में जहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं था, जल का स्रोत नहीं था, और जो भोजन भंडारा था वो दूर छोड़ आए थे, वो कम से कम 30 किलोमीटर जंगल में चले गए शिकार करते करते। वहाँ शिकार कोई नहीं मिला उनको, ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते चले गए। एकदम ऐसी रजा करी मालिक ने, सबको प्यास लगाई और जबरदस्त भूख लगाई, सबके प्राण मुंह को आगे, यदि 10 मिनट में आहार और जल ना मिले तो सारे मरे, राजा भी खत्म हुए। जल थोड़ा बहुत साथ ले गई तो पी प्या लिया था। अब राजा ने कहा भी आसपास खोजो, कोई जल हो, कोई बाग हो, कहीं कोई फल आहार मिले। सब जाकर घूमे आए, कहीं कुछ नहीं मिला। दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर तक घोड़े पर भी जाकर आ गए। अब सब चिंतित हुए, बहुत बुरा बनेगा, अब क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि चिंता ना करो, ये ऊपर पहाड़ी नजर आती है ना, वहां देख कर आओ। अब राजा और साथ में एक दो मंत्री और थे, वो कहने लगे नहीं नहीं वहां क्या मिलेगा, जब समतल क्षेत्र में नहीं मिला, पहाड़ पर क्या हो सकता है महाराज। परमात्मा चुप हो गए। एक और समझदार सा मंत्री था, वो कहने लगा भाई संत जो बात कहा करें कुछ गौर करनी चाहिए। तो उसको उनके कहे पाछा कर दो तीन जने गए उस पहाड़ पर घूमते घूमते, ऊपर जाके क्या देखा, इतना सुंदर जल, बिल्कुल अमृत भरा पड़ा एक सरोवर, मतलब छोटा सा तालाब तलैया, और उसके चारों तरफ बाग, सुंदर ये
सेब संतरे आम बहुत सुंदर लतपत हो रहा। उन्होंने आवाज लगाई कि आ जाओ बहुत सुंदर स्थान है, जल भी है आहार भी है। अब सभी पहुंच गए ऊपर, देखा सचमुच यहाँ तो एक अलग से दुनिया है, अलग से परमात्मा कुदरत का खेल देखो भाई, ये कह रहे सब। सबने जल पिया, फल आहार किया, वहाँ से प्रस्थान करने लगे तब सभी ने फल तोड़ कर अरप अपने जेबों में ठोक लिया, चल पड़े। अब घोड़े पर बैठा रखे थे, हाथी तो पीछे छोड़ रखा था, अब घोड़े पर बैठा लिया कबीर परमेश्वर जी को और राजा भी उसी पर बैठ लिया। अब राजा ने घोड़े को तो थोड़ा सा चल पड़ा ना काफिला वहाँ से बाग से, राजा ने देखा हे भगवान तेरी कैसी कुदरत, ऐसे पहाड़ के ऊपर और जल कहाँ से आया, ये बाग कैसे यहाँ लगा। अब पीछे मुड़कर घोड़ा मुड़कर देखा वहाँ तो धूड़ उड़ है कुछ भी कोई नहीं, नरे पत्थर पड़े। अब राजा की आँख फट गई कि हे भगवान हे गुरुदेव वो कहाँ गया बाग। परमात्मा बोले बेटा जहाँ से आया था वहाँ गया, ये हमारे सतलोक से आया था, अब इसने सोपना नहीं कह सकते क्यों गोज भरी फलों की सबकी थैला में रखा राजा ने भी। अब वापस आ गए कोई शिकार नहीं मिला। अगले दिन भी परमात्मा ने कहा घर चलो, इन बकवादों से कुछ नहीं हासिल होगा। पैर पकड़ लिए, राजा बोला जी आज के बाद कति जीव हिंसा नहीं करूँगा। प्रभु कहने लगे मैं इसलिए आया था ना तुम सारे मरो यहाँ पर, तुम्हारा अंत था तेरी एक्सटेंशन की है मैंने, और पक्की जचगी सब कहकर 20 किलोमीटर थे कुछ भी नहीं था, सारे मराओ कति 10 मिनट में जल और आहार ना मिलता था। घर आकर उसने अपनी रानी से सारा करिश्मा बताया कि परमात्मा आए हैं ऐसी रक्षा कर दी ने, हम सारे मरने थे। इससे प्रभावित होकर रानी ना मान्या करती, रानी ने भी नाम ले लिया, यानी पूरे परिवार में। अब परमात्मा ने कहा कि अब तू भक्ति कर, तुझे सतनाम दे दिया है, बकवाद छोड़ दिए भी। बोला ठीक है। फिर कहा कि तुझे कुछ दिन में सारनाम दूंगा। अब कुछ वर्षों के बाद राजा ने कहा कि प्रभु आपका दास इस योग्य हो गया हो सारनाम के, दया करियो। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई आज तेरे को सारनाम दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या है? कि एक चंद्र प्रभा नाम की एक बेटी है हमारी, नाम ले रखा उसने, हमारी उपदेशी शिष्या है, तुम्हारी गुरु बहन है, वो ब्राह्मण की लड़की है, विधवा हो चुकी है, उसके एक बेटी है, उसको वो भी जानता था, राजा भी जानता था उस बहन को कि अच्छा जी वो हाँ, उसके पास एक धोती है, धोती साड़ी जिसको बोलते हैं, और मुझे चाहिए आपको उपदेश दूंगा ना सारनाम, तो मुझे एक सफेद कपड़ा चाहिए सूचा स्वच्छ। और उस लड़की ने अपने ही आंगन में बाड़ी बीज के कपास का पौधा बीज के कई पौधे, और उसमें से जो कपास चुग के उसको लोड के उसकी धागा यानी काट के उसकी उसने अपने हाथों से एक धोती बना रखी है, और वो धोती तू ला कर दे, बाजार से नहीं चलेगा कपड़ा, वो स्वच्छ